आज मैं लौकी और गाजर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। तड़के वाली लौकी और गाजर की रेसिपी बनाकर देखें, बिना खाए नहीं रह पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साधना होम किचन में। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए लौकी और गाजर को पानी से धुलकर पोंछ लिया था और छीलकर मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको कटोरी में रख दिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। इधर हमने इसे पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये पानी गर्म हो गया है तो अब इसमें हम लौकी और गाजर को डाल देते हैं। अब हम लौकी और गाजर को मीडियम आंच पर उसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, लौकी और गाजर को उबल गए हैं तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लौकी और गाजर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं एक बाउल में दही को लेकर अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालकर मिक्स करूंगी। सबसे पहले इसमें सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और चाट मसाला और हरी धनिया पत्ती की डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर मिक्स करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसमें लौकी और गाजर को मिक्स कर देते हैं। अब ये रायता बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसमें तड़का बना लेते हैं। ये लौकी और गाजर का रायता बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अगर ये रायता अगर बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो वे मना नहीं कर पाएंगे और ये रायता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए हमने गैस पे कलछी रख दिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। जीरा तड़क गई है तो इसमें मैं सफ़ेद तिल भी डाल दूंगी और लाल मिर्च भी डालेंगे। ये तो तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम तड़के को रायते में डाल देते हैं और तड़के को मिक्स कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया लौकी और गाजर का रायता बनकर तैयार हुआ है। और इस रायते को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये रायता कैसा बना है। ये रायता देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और मैं इसके ऊपर हरी धनिया पत्ती भी से गार्निश कर दूंगी, जिसे और भी देखने में अच्छा लगेगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।